तिवारी जी की बातों का पूरा मतलब यह है वारिस पठान कि आखिर कौन था इस दंगाई भीड़ का प्रायोजक, आखिर कौन था जिसने इस भीड़ को भड़काया। वारिस पठान, देखिए गौरव भाई, 170 दिन हो गए जुनेद और नासिर को गांव के तस्करी के शक की बुनियाद के ऊपर जिंदा गाड़ी में जला दिया गया था। उसका जो मुख्य आरोपी है मोनू मनेसर, जो फरार घोषित किया गया है, वो बाहर से बैठ के रील बना रहा है इंस्टाग्राम के, वो दिखा रहा है गन लेके घूम रहा है, वो हर दिन टीवी के चैनलों के ऊपर आकर वो इंटरव्यू दे रहा है। मगर हरियाणा की सरकार है एक तरफ, दूसरी तरफ गहलोत सरकार है, दोनों भी उसको पकड़ने में टोटल विफल हो रहे हैं। हमने मीडिया का पूरा रिपोर्ट देखा है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि दंगा स्टार्ट करने में मोनू मनेसर के दो वीडियो है और तीसरा एक बिट्टू बजरंगी करके उसका एक वीडियो है। मेन इंपॉर्टेंट ये था। मुझे बताइए, यात्रा के अंदर गन तलवार पिस्तौल लेकर जाने का क्या अधिकार किसको दिया है? क्या संविधान में या कानून में इसका कोई प्रावधान है? आप ही के एमओएस राव इंद्रजीत ने साफ रूप से कहा कि क्यों लेकर गए थे, यह दिखाता है कि किसी ना किसी चीज के लिए वो अंजाम देने को गए थे, उनकी मानसिकता एम ये था। इतना ही बात खत्म नहीं होती, आज भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये लोग सरेआम रस्तों के ऊपर चिल्ला रहे हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। दूसरी तरफ चिल्लाया जा रहा है, वहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है माइक पे कि दो दिन में मुसलमानों को ये जगह खाली कर देनी पड़ेगी, यहां पर सिर्फ हिंदू रहेगा। सरकार खामोश, पुलिस प्रशासन सब कुछ देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारे पास ऑथेंटिकेटेड वीडियो आया जो दिखा रहा है कि मंदिर परिसर से पुलिस की मौजूदगी के अंदर कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गुंडे फायरिंग कर रहे हैं। और यहां तक बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति है जो गाली गलौज कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, वो एक वकील है। सोचिए लॉयर, यहां तक समझ पा रहा हूं आप जिस वीडियो का रेफरेंस दे रहे हैं वो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी हैं जिनके बारे में कहा गया। वारिस पठान एक मिनट रुक जाइए, मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ। वारिस पठान, जिस वीडियो का आप रेफरेंस दे रहे हैं मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें पुलिसकर्मी अपना वीडियो भी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि चारों तरफ से फायरिंग हो रही है। देखो वो वीडियो दिखा देते हैं, पीसीआर दिखाइए। वारिस पठान, ये अफवाह होती है, जिसको बता रहे सादी वर्दी में पुलिस वाले, वीडियो आपके सामने। वारिस पठान देखिए, चारों तरफ से फायरिंग हो रही है। पीसीआर दिखाइए वारिस पठान को, एमएस दीजिए इस वीडियो का। 47 है भैया, 47 है, बहुत बुरा हाल है भाई। चारों तरफ से पहाड़ों से फायरिंग हो रही है, बहुत बुरा हाल है भाई, बुरे घेर रखे। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, सुनिए वीडियो। देखिए, ये नहीं है, दूसरा वीडियो है। आप देखिए वारिस पठान, इसमें पुलिस वाले भी हैं और इसमें सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी हैं। अरे भाई, जिस वीडियो की वारिस पठान, अब हम जितना वीडियो का क्रक से वही दिखा सकते हैं। ये वीडियो दिखा रहा हूं भाई, हम सोशल मीडिया नहीं है वारिस पठान, जो हम यहाँ पर कोई भी वीडियो दिखा दें। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं आप? मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे नहीं, पूरा वायरल है और ऑथेंटिकेटेड। ये देखिए, मंदिर के परिसर से पुलिस के सामने। सोशल मीडिया हम नहीं है ना, हम हमारी जिम्मेदारी है, हम वीडियो ऑथेंटिकेट करके दिखाते हैं। इस वीडियो का ऑथेंटिकेशन हुआ है इसलिए वीडियो हम दिखा रहे हैं। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी अभी प्रूव नहीं है। आपके पास किसी एजेंसी का कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट है जो कहती हो कि जो आप दावा कर रहे हैं वो सही है? ये जो वीडियो आप दिखा रहे हो, ये क्या आपके पत्रकार ने लिया है, आपके कैमरामैन ने लिया है? जी, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हो यहाँ पे, मुझे हमने पुलिस से ऑथेंटिकेट किया है, पुलिस से ऑथेंटिकेट करके हमारे संवाददाता ने ऑथेंटिकेट किया है, फिर हम ये वीडियो चला रहे हैं। बिना किसी ऑथेंटिकेशन के वीडियो नहीं चला रहे हैं। वारिस भाई, आप तो एक बड़े जाने माने और एक पढ़े लिखे आदमी है, आप समझते हैं अफवाह फैलाने का क्या अंजाम होता है, आप समझते हैं? तो कम से कम बिना ऑथेंटिकेशन के कोई वीडियो मत दिखाइए। नहीं नहीं, फैक्ट चेकर ने चेक करके बताए। अरे अग्रवाल साहब, मैं जानता हूं अच्छी तरह कानून क्या है, मुझे फांसी पे चला दो चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं, फैक्ट चेकर का फैक्ट किया हुआ वीडियो है, ऑथेंटिकेटेड वीडियो है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है वो। और किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि रॉन्ग है, हर इंसान ने ये कहा कि इनका डिफेंस ले लिया है लोगों ने कि सामने से मुसलमान आ रहे थे तो क्या हम वहां से बंदूक चलाते हैं। तो आप फैक्ट चेकर के नाम पर जो 50 दुकानें खुली हुई है उनका सर्टिफिकेट लेकर आके बता देंगे क्या यहां पर कोई भी वीडियो की सही है या गलत है? वारिस पठान, एक तरफा बात मत करिए। वारिस पठान, एक तरफा बात मत करिए। वारिस पठान, एक तरफा बात मत करिए। मैंने आपको ये मंच दिया है ताकि आप वहाँ पर अफवाहों को बल्कि दरकिनार करें। मैंने ये मंच दिया है कि आप लोगों को बताएं कि कैसे अफवाह से बचना है और आप यहाँ बात नहीं करता।
मैं फैक्ट बात करता हूँ, रियल बात करता हूँ, वीडियो जो दिखा रहा हूँ करेक्ट वीडियो है। मैंने ये नहीं कहा कि आप साथ के साथ बात नहीं कर सकते, साथ के साथ बात नहीं करते, लेकिन मैंने उस वीडियो के बारे में कहा कि आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी है। मैंने आपके उस वीडियो को चैलेंज किया है, आपके पास उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी है। ये चलिए आगे बढ़ते, वीडियो नहीं था तो अब तक सरकार ने इसको निकाला क्यों नहीं? ये कल रात से चल रहा है, ऑथेंटिकेटेड था। ये आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आप पूछे सवाल, बहुत बढ़िया। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन काजल हिंदुस्तानी मेरे साथ हैं इस वक्त, और मैं अब काजल हिंदुस्तानी के पास जाऊंगा। वारिस पठान आते हैं, आपसे बात करते हैं, अभी रुकिए आते हैं।